हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर 2019 दिसंबर का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2019 में आए थे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। तो यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन आया है और इस थ्योरी का क्या नेम है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टाइपिफाइड करेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर टू एज। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूरिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिताएँ बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली देर हैव बीन कॉन्शियस efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because हिंदी में क्या है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को भी शामिल करने का विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर रहेगा, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द स्पोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइगोस्की का। सो ये ऑप्शन नंबर 3 स्कैफोल्डिंग जो है उसमें क्या होता है, दैट इज़ द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल जब कोई एक पर्सन जो है या कोई एक बच्चा स्टार्टिंग में जब साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स या उसका जो ट्रेनर होता है उसको वो थोड़ी बहुत ही सपोर्ट देता रहता है, तो उस सपोर्ट को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग, हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड। सो 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन प्याजे की थ्योरी का नेम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग, सो हिंदी में क्या है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। सो ये ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी टोटल जो है 4 स्टेजेस हैं प्याजे की थ्योरी की, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये चारों ही इसकी स्टेजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट द ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। सो डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है किसकी, लैब बाइगोस्की की। तो 3 इज़ द राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए 6 से 8 के शिक्षक को जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एज पर हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय बुद्धि का सिद्धांत जो वो किसने दिया हुआ है, हॉवर्ड गार्डनर ने, व्हाट वुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब हॉवर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएँ हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, दैट इज सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न को खोजने एम तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। सो दीज आर द 8 क्वेश्चन। उसके बाद है 9 क्वेश्चन क्या है, दैट इज द प्रोसेसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड।
मतलब क्या हिंदी में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सोशलाइजेशन बोलते हैं, यानी सामाजिकरण बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो हिंदी में क्या है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी तथा पर्यावरण मीन एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी 1, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, जो नॉलेज है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक लर्नर, जो सीखना मींस विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना जो है वो की जाती है। उसके बाद है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CCE। CCE इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है, बोथ, ऑप्शन नंबर 4, बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी। CCE में क्या होता था पहले, कि पहले FA1 के एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद FA2, उसके बाद FA2 के बाद SA1 होता था, राइट, SA1, और उसके बाद FA3, FA मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA मीन्स सुमेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, FA4 फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, और उसके बाद होता था SA2 सुमेटिव असेसमेंट। तो ये 4th इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट, अ टीचर्स इनिशियल स्टेप कैन बी। तो हिंदी में क्या है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, डू नॉट टेक द नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द क्वेश्चन, ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड, देन योर क्वेश्चन विल द आंसर विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों को तथा उनके उदाहरणों को क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड बी, एक समावेशिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम यानी वो होता है जिसमें सभी वर्गों के बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, ए इज द राइट आंसर, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्या होनी चाहिए, क्षमता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड। हिंदी में क्या है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण जो है वो प्रस्तुत करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसको कठिनाई होती है, निम्न स्तरीय शब्दावली का प्रयोग करता है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसको कठिनाई आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है वो राइट रहेगा, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब इस तरह के अगर कोई बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मतलब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी ये हो सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। तो इंक्लूसिव क्लासरूम से भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं। एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले विशेष वर्ग यानी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण करके उसके बाद अधिगम के उद्देश्यों को क्या करना होता है, विकसित करना होता है एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को। उसके बाद है अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिविटी लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज द आंसर ऑप्शन नंबर 3, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके इस तरह से वो एक टीचर जो है क्रिएटिव लर्नर्स को क्लासरूम में एनकरेज कर सकती। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम को का पक्ष लेता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एम अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4, मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना है। तो 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, राइट, ये सही नहीं है। उसका था क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन टीचर डील द चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लास। मतलब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो इसका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। मतलब एक अध्यापक उनसे बात कर सकता है, उन बच्चों से, और उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सुजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो दैट इज ऑप्शन ए, यानी 1, विद प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। मतलब विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान के उसको कितना नॉलेज है, क्या जानता है कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उस पृष्ठभूमि में एक टीचर को चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को क्या करनी चाहिए, एक टीचर को चुनौती देनी चाहिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज। तो 1, संज्ञान एम संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? सो दैट इज ऑप्शन 4 इज राइट, बाई डायरेक्शनल और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। द्विदिशीय होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। कौन सा इनमें से फैक्टर है जो लर्निंग को, अधिगम को अफेक्ट करता है? सो दैट इज ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4। मतलब ये सारे ही लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी की जो इमोशनल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। पैडागॉजिकल स्ट्रेटजीज, तो मतलब एक अध्यापक की जो पढ़ाने की जो विधियाँ हैं वो भी वहाँ पे काम करेंगी। एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का सामाजिक एंड सांस्कृतिक संदर्भ भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज डैश आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। तो ज्ञान की जो सार्थक संरचना है उसके लिए जो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन स्टूडेंट्स रेपिटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और बैज दे आर लाइकली टू। मीन्स जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार और बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1, डेवलप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड लर्निंग। मतलब अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास होता है उस बच्चे में, मटीरियलिस्ट चीज़ों के लिए उस बच्चे का विकास होता है उसके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन
टू जो है वो राइट रहेगा, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, मतलब समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट, यानी थ्री इज द राइट, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। और लास्ट ईयर 2019 दिसंबर सीटेट का पैडागॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 30th एंड लास्ट क्वेश्चन था, फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार एंड पास आसपास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, तो दैट इज़ ऑप्शन बी जो है, यानी दो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी है परिवार और नेबरहुड, फैमिली एंड नेबरहुड किसी भी बच्चे के विकास के लिए ये क्या है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। तो ये सारे के सारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर इट एंड थैंक यू।